हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अपनी ऑफिशियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में से हम 20 अप्रैल का करंट अफेयर्स का अपने टेस्ट यहां पर कंप्लीट करेंगे। ये हिंदी माध्यम में वीडियो रहेगा, इसमें आपको टेक्स्ट भी हिंदी माध्यम में दिखलाया जाएगा। सेपरेट वीडियो इसी कंटेंट पर आएगा जिसमें आपको दोनों मीडियम में, एक तरफ हिंदी में एक तरफ इंग्लिश लैंग्वेज में, रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कंटेंट देखने को मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। हर वीडियो दो बार बनाया जा रहा है। अगर आप इस मेहनत से संतुष्ट हैं, आपको कोई भी फ़ायदा हमारी वीडियोस देती हैं, तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे ग्रुप से जो लोग जुड़ते हैं उनको कंप्लीट पैकेज मिलता है टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल। अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने प्रीलिम्स में सिलेक्ट होने के चांसेस को काफ़ी गुना बढ़ा लेते हैं। और यदि कंप्लीट गाइडेंस के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसमें आपको A to Z पूरा गाइड किया जाएगा, कॉम्पैक्ट मटेरियल, इंटेलिजेंस गाइडेंस और हमारे डिस्कशन ग्रुप की फैसिलिटी के माध्यम से आप अपना राह आसान कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स के लिए। तो पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है करेंट अफेयर में से। पहला कथन पूछ रहा है कि जर्मनी संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPO के हस्ताक्षरकर्ता देशों में से एक है, पहला कथन। दूसरा कथन है कि नसीम अल बहर युद्धाभ्यास गोवा में आयोजित किया गया था। थर्ड है ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित होने वाला एक नौसेना का अभ्यास है। और अल नागा जो है युद्धाभ्यास भारत और कतर के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा करेक्ट, जर्मनी जो है हस्ताक्षरकर्ता देशों में से एक है। नसीम अल बहर जो है युद्धाभ्यास लेटेस्ट वाला हुआ था गोवा के तट पर, ये भी सही है। ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास है भारत और ओमान करते हैं, यहाँ तक सही है। लेकिन ये लिखा है कि ये नौसेना का युद्धाभ्यास है, ये रॉन्ग है। ये आपका वायुसेना का युद्धाभ्यास है, ये रॉन्ग हो गया। ये हमारी एयर एक्सरसाइज है, करते हैं हम लोग ईस्टर्न ब्रिज ओमान के साथ ही है। अल नागा जो है ये भी हम लोग करते हैं ओमान के साथ, यहाँ पर लिखा है कतर, तो ये भी हो गया रॉन्ग। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 1 एंड 2 ओनली यहाँ पर करेक्ट है। हमारी आंसर की में सारी कंप्लीट डिटेल आपको मिलती है कि कोई अगर वीडियो ना भी देख रहा हो हमारे तो इसको कंप्लीट कर सकता है टाइम कंस्ट्रेंट में। ईरान समझौता यहाँ पर पूरा समझा दिया गया है कि समझौते का उद्देश्य ईरान की परमाणु गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। JCPOA की अवधारणा क्या है, कौन कौन इसमें अन्य देश शामिल है, नसीम अल बहर, ईस्टर्न ब्रिज और अल नागा में अंतर क्या है, ये भी बता दिया गया है यहाँ पर। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तुलु एक द्रविड़ परिवार की भाषा है जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में बोली जाती है, ये गलत है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं बोली जाती है, सदर्न इंडिया में बोली जाती है, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में, तो ये गलत हो गया। अंग्रेजी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में से एक है। नहीं, अंग्रेजी जो है अभी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 18 भाषाएं थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से 4 जोड़ दी गई। तो आपको बता दें मूल रूप से तो 14 ही थी, 3 बार संशोधन हुआ है और अब जाकर के 22 हो गई हैं। कौन सा हमारा आंसर यहाँ पर सही है ये बताना है। हमारा आंसर यहाँ पर डी सही होगा, कोई नहीं, क्योंकि आपने देखा चारों ही कथन, तीनों ही कथन गलत निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला क्वेश्चन है, 10 वर्षीय ग्रामीण स्वास्थ्य रणनीति के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हासिल किए गए स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ये सही है। रेणुका जी बांध परियोजना के अंतर्गत महानदी और 2 सहायक नदियों पर 3 भंडारण परियोजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है, ये रॉन्ग है क्योंकि रिवर का नाम गलत दिया हुआ है। इसमें 3 परियोजनाएं बनेंगी जरूर, लेकिन गंगा की 2 सहायक नदियों पर, उनका क्या नाम है, माफ़ कीजिएगा, यमुना की 2 सहायक नदियों पर बनेंगे, जिनका नाम है आपकी टोंस और गिरी, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों और ऊपर यमुना घाटी हिमाचल प्रदेश में 3 भंडारण परियोजनाओं का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। तो महानदी नहीं, यमुना की 2 सहायक नदियों पर यह परियोजना एक्सटेंड की जाएगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल एक, ओनली 1 करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाई जाने वाली विदेशी प्रजातियाँ हैं। तो आपका सेना स्पेक्टिबल्स ये भी विदेशी है, अफ्रीकन एप्पल घोंगा ये भी है, पपीता खाने वाला कीड़ा ये भी है, ऑरेंज कप कोरल भी है, प्राइम रोज विलो भी है और ये सेल्फिन कैटविश भी है। सारी की सारी जो है फॉरेन स्पीशीज़ हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, और ये वही स्पीशीज़ हैं जो ज़्यादातर न्यूज़ में रहती हैं, वही पूछी जा सकती है। जिसको और डिटेलिंग चाहिए वो यहाँ पर देख सकता है हमारी आंसर की में कि ये प्रजाति मिलेगी कहाँ पर, ये स्पीशीज़ जो है इस समय कहाँ पर मिलेगी हमारे भारत में, सब दिया हुआ है। भारत में पाई जाने वाली विदेशी प्रजातियाँ कहाँ कहाँ पर, जैसे पपीता खाने वाला कीड़ा जो है ये मिलेगा असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कोरेगांव का युद्ध 1818 में लड़ा गया था, सही है।
और ये युद्ध जो है तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के हिस्से के रूप में लड़ा गया, ये भी सही है हमारा। भीमा नदी के पास कोरेगांव से लड़ा गया था, तभी इसका नाम भीमा कोरेगांव है। और फाइनली हार हुई थी आपको पता है मराठा अलायंस की ब्रिटिशर्स के हाथों। वित्त मंत्रालय ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो है करेंसी नोट वर्गों के मूल्यों की पहचान करने के लिए, यानी डिनोमिनेशन नोट डिनोमिनेशन को पहचानने के लिए मनी एडेड मोबाइल आइडेंटिफायर लॉन्च किया, जिसका नाम है मनी ऐप। तो ये मनी ऐप का वर्किंग तो सही दिया हुआ है, लेकिन ये लॉन्च करने वाले का नाम गलत दिया हुआ है। इसको आरबीआई ने लॉन्च किया, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट में ओनली 1 एंड 2 सी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के बारे में सही कथन क्या होगा? पहली बार भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पर नवा स्थान प्राप्त करके शीर्ष 10 पर आया है। सही है, ये सही न्यूज़ है। डेनमार्क ने प्रथम स्थान हासिल किया है, ये हम रॉन्ग मानेंगे इसको। डेनमार्क की रैंक है 4th। अब पूछेंगे फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई नहीं है। किसी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है कि उनको मार्क्स दे करके 1 2 3 में रखा जाए। तो इनकी रैंकिंग ही चालू होती है 4th से। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट में ओनली 1, ओनली 1 यहाँ पर करेक्ट है। सुप्रसिद्ध धनु यात्रा जो है 11 दिवसीय, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है, गुजरात में आयोजित किया गया। ये आपका गलत है, ये ओपन थिएटर सबसे बड़ा जरूर है, लेकिन इसका आयोजन स्थल गलत दिया हुआ है। इसका आयोजन हुआ ओडिशा में, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। इसमें कंस और कृष्ण का जो प्रसंग है उसको दिखाया जाता है थिएटर में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में धनु यात्रा का उल्लेख किया गया है, सही है, ठीक है। हाल ही में 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है जालंधर में हुआ, पंजाब में, गलत। ये पिछले साल हुआ था, इस साल वाला हुआ है इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है बेंगलुरु में, वहाँ पर। इससे भारतीय विज्ञान सम्मेलन की थीम थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ग्रामीण विकास, ये सही है। ये इस साल जो इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ है उसकी थीम यही थी। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा सही पूछा है इसमें, 2 और 4 सही है, बी। कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है। पहला कथन है कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना छत्तीसगढ़ राज्य के मजदूरों के लिए एक वित्तीय योजना है, जिसके अंतर्गत पंजीकृत मजदूर की काम के समय मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सही है ये। लाई हरोबा प्राचीन काल से मणिपुरी मेईती समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक अनुष्ठानिक महोत्सव है, ये त्रिपुरा के अगरतला में मनाया गया था। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, दोनों इवेंट्स ध्यान रख सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ करेक्ट, 1 और 2 बोथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर्नाटक की पटोला साड़ी जो कि दो तरफ से पहनी जा सकती है, इसको हस्तकला श्रेणी के अंतर्गत भौगोलिक टैग मिल चुका है 2013 में, सही है ये। और अभी इसका प्लांट लगाया गया है एक्चुअली रेशम के लिए, पटोला साड़ीज बनाने के लिए जो सिल्क लगता है उसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है आपका सुरेंद्र नगर गुजरात में। इस वजह से ये पटोला चर्चा में आई साड़ीज, इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, इसके लिए गुजरात में सुरेंद्र नगर में प्लांट लगवाया गया, इस वजह से चर्चा में था। इसकी पूरी डिटेलिंग हमारी आंसर की में मिल जाएगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये आता जरूर एमएसएमई में है, लेकिन ये स्टैचुटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1 करेक्ट, ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? उत्तर प्रदेश ने साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव शुरू किया है, रॉन्ग है ये। इसको शुरू करने वाला स्टेट है महाराष्ट्र। साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए के द्वारा एक ट्विटर अकाउंट शुरू किया गया है, जिसका नाम साइबर साथी रखा गया है। ये भी रॉन्ग हो गया, ट्विटर अकाउंट एमएचए ने शुरू किया है, लेकिन इसका नाम है साइबर दोस्त, ये सही है। ये हमारा जो लिखा है स्टेटमेंट, ये रॉन्ग हो गया। इस तरीके से भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CERT जो बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत बनाया गया है ये कार्यालय, सही है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने की योजना ये शुरू हुई है 2019 में, ठीक है। इसमें अडल्ट कंटेंट रिपोर्ट किया जा सकता है अगर वो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक है। साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शिकायतकर्ताओं को बाल अश्लीलता या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री, यानी कि जिसको बोलेंगे हम सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल को रिपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये भी सही है, हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी, 3 4 5 करेक्ट है, 3 4 5 इज करेक्ट, 1 2 रॉन्ग।
11 नंबर क्वेश्चन हमको बताना है यहाँ पर किस व्यक्तित्व के बारे में बात की जा रही है। वह एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद, महाराष्ट्र की कवित्री थी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के पुणे में भारतीय लड़कियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। 1854 में काव्या फुले और बावन जोशी सुबोध रत्नाकर का प्रकाशन किया। उन्होंने महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने महिला मंडल की स्थापना की। महिला मंडल जो है हमको स्पेक्ट्रम में भी देखने को मिलता है। इसकी स्थापना की थी सी सावित्री बाई फुले ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। मोदी जी ने इनको श्रद्धांजलि दी थी। तो ये थोड़ा न्यूज़ में आया था, आर्टिकल ही छपा था इनके बारे में, इस वजह से आपको पास्ट पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीपीएससी में कभी कभी। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है। तो पहला है कि 224 के अंतर्गत अनुच्छेद 224 में चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार प्रदान किया गया है। आपको बता दें अधिकार है ही चुनाव आयोग को स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने का, लेकिन आर्टिकल नंबर 324 के तहत, 224 के तहत नहीं। चुनाव उद्देश्यों के लिए जनसंख्या का निर्धारण चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये रॉन्ग हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अतिरिक्त एक क्षेत्रीय आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता। तो हमारा ये आंसर सही होगा, ठीक है, ये इनकरेक्ट नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है, तो 1 और 2 सही नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 1 एंड 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चुनौतियों और अवसर, ये जो है इस थीम के साथ केरल के कोच्चि में आयोजित किया जाना है, ये सही है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य SDG 14 है, जल के नीचे जीवन, विश्व के महासागर, उनका तापमान, रसायन विज्ञान, धाराएं और जीवन, मानव जाति हेतु पृथ्वी को रहने योग्य बनाने वाली वैश्विक प्रणालियां, ये भी सही है। उसके बाद है कि आपका भितरकनिका उद्यान कई मैंग्रोव प्रजातियों को सहेज कर रखता है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है सुंदरबन के बाद, ये भी सही है। लेकिन भितरकनिका जो है तमिलनाडु में नहीं है, ये है ओडिशा में। तुम्हारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 2 4, आंसर सही हो जाएगा सी, 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम देश भर में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से समयबद्ध तरीके से निपटने के लिए अखिल भारतीय कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति प्रदान करता है, ये सही है। NCAP के बारे में करेक्ट। अगला है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP 2019 में शुरू किया गया, करेक्ट है। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वानिकी जलवायु परिवर्तन मंत्री ने सेल्फी विथ सैपलिंग ये इनिशिएटिव का शुभारंभ किया था, सही है। जापान ने सितंबर 2019 में, सॉरी, मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसके 14वें COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी की। यहाँ पर गड़बड़ है क्योंकि ये पार्टी तो भारत में हुई थी, ग्रेटर नोएडा में, ये गलत। 1 अप्रैल 2020 को BS6 मानक पूरी तरीके से लागू हो गए हैं, ये सही है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 2 3 5, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, 1 2 3 5। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 2 वर्षों में वन एवं पेड़ आच्छादन में कमी आई है। आपको बता दें कि कोई कमी नहीं आई है, थोड़ा सा बढ़ा ही है दोनों चीज़ें, चाहे वो वृक्ष आच्छादन हो चाहे आपका वन आच्छादन हो, दोनों ही बढ़े, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर। वन आवरण में वृद्धि के मामले में कर्नाटक देश के विभिन्न राज्यों की सूची में शीर्ष पर है, और इसके बाद आंध्र प्रदेश और केरल आते हैं, ये सही है। इसके बाद है कि असम, त्रिपुरा को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के वन आवरण में कमी आई है, ये भी सही है। फॉरेस्ट फायर इसका एक प्रमुख कारणों में से एक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 2 एंड 3, ओनली करेक्ट, 2 एंड 3 करेक्ट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के बारे में पहला कथन है कि विश्व स्तर पर मुश्किल से 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीवित हो सकते हैं, अनुमान लगाया गया है, सही अनुमान है। उसके बाद ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है, सही है। इसे भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया है, सही है। इसकी आबादी ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है, ये भी सही है। नॉर्दर्न गुजरात, वेस्टर्न राजस्थान में आप इसको देख सकते हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को प्रतिमाह 3,000 रुपये का भुगतान पेंशन के रूप में करने का प्रावधान करता है। सही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सभी किसान परिवारों को उनके द्वारा अधिकृत भूमि के आकार को बिना देखे या उस पर विचार किए बिना शामिल करती है ऐसे लोगों को। कहने का क्या मतलब है कि किसान परिवार के पास कोई भी भूमि हो, कितनी बड़ी हो, वो इस योजना का पात्र है, एलिजिबल है इसके लिए। ये सही है। जब योजना आई थी जिस दिन, उस दिन ये आपकी बार लगी हुई थी इसमें कि 5 हेक्टेयर से ऊपर अगर भूमि है तो किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अब इस बार को हटा दिया गया है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ई नैम यानी कि आपका ई राष्ट्रीय एग्रीकल्चरल मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, भारत में पावर डिस्कॉम के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। बिल्कुल नहीं, एग्रीकल्चर संबंधित है ये। नेट्सको फैन जो है ये उन अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों का नेटवर्क है जो खाद्य और पोषण के क्षेत्र में काम करते हैं। नेट्सको फैन नेटवर्क जो है ये FSSAI ने क्रिएट किया है। इसमें 8 क्षेत्रों से काम करने वाले समूह शामिल होंगे। इसमें जैविक, रासायनिक, पोषण और लेबलिंग, पशु आधारित भोजन, शाक आधारित भोजन, पानी और पेय पदार्थ, खाद्य परीक्षण और सुरक्षित और टिकाऊ पैकेजिंग संबंधित जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसको नेट्सको फैन का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन फॉर फूड सिक्योरिटी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ओनली 2। कौन सा कथन सही है बताना है? तात्कालिक सुधारात्मक कार्रवाई प्रॉम्प्ट करेक्टिव मेजर एक ढांचा यानी कि एक स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों को RBI द्वारा निगरानी में डाल दिया जाता है। सही है। ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव मेजर जो स्ट्रक्चर है बैंकों को एक जोखिम भरी संस्था मान चुकता है यदि वे 3 मानकों पर मानदंडों से नीचे खिसक जाते हैं। 3 पैरामीटर्स में अगर कम स्कोर होता है बैंक का तो उसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव मेजर के उसमें डाल दिया जाता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के ढांचे में। पूंजी अनुपात में कमी आती है, संपत्ति गुणवत्ता में यदि कमी आती है, लाभप्रदता में कमी आती है तो बैंकों को PCA स्ट्रक्चर में डाल दिया जाता है। हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में गूगल ने पहला कृत्रिम मानव जारी किया है जिसे नियॉन के रूप में जाना जाता है। एक्चुअली ये 5-स्टार लेबोरेटरीज जो सैमसंग के अंतर्गत काम करती है उसने इसको डेवलप किया है। ठीक है। नियॉन जो है वास्तविक मानवों की तरह संवाद कर सकता है और सहानुभूति जता सकता है। ये भी सही है हमारा, ये सही है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला है गोल्डिलॉक्स जोन, तारों के आसपास एक ऐसा क्षेत्र है जो ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है जिससे वहाँ परिक्रमा करने वाले ग्रह की सतह पर तरल पानी काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 and 3। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 and 3। दोनों करेक्ट हैं, 2 and 3, फर्स्ट इनकरेक्ट है, बी करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जस कॉजन्स एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बाध्यकारी कानून। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे नियम है जो कि अनुल्लंघनीय या फिर आधिकारिक हैं और राष्ट्र इनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद चीनी फेडल फिश दुनिया की, सॉरी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगस्ते रिवर की मूल जीव है और चीनी वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की विलुप्त प्रजातियों में से एक के रूप में घोषित हुई है। सबसे बड़ी मीठे पानी की प्रजातियों में से एक विलुप्त घोषित हुई है, चाइनीज ग्लैडियस या फिर सिफेरस ग्लैडियस, साइंटिफिक नेम है इसको चाइनीज पैडल फिश बोलते हैं। दोनों सही है यहाँ पर, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑपरेशन संकल्प, भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठियों की पहचान करने संबंधित है। ये लिखा हुआ है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। ऑपरेशन संकल्प जो है ये हरमूज स्ट्रेट पर जो हमारे फ्लैग वीजल्स हैं उनकी, हमारे मतलब भारत के जो फ्लैग वीजल्स हैं, हमारे पोतों की सुरक्षित आवाजाही हो सके ये सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है। संकल्प कोड नेम है, तो ये रॉन्ग है। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है फारस की खाड़ी और उम्मान की खाड़ी के बीच एक जल डमरू मध्य एक स्ट्रेट है। सही है। तो पहला रॉन्ग, सेकंड करेक्ट। अगला है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और रामप्रसाद बिस्मिल ने HRA, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
की स्थापना की थी। ये सही है। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अशफाक उल्ला खान जो गोरखपुर से थे, गोरखपुर में जिनका जन्म हुआ था, वहाँ पर एक जूलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। यूपी बजट में अनाउंस किया गया है उनके नाम पर, गोरखपुर में एक जू जूलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा अशफाक उल्ला खान के नाम पर। 22 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 2 एंड 3 बी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, एपिफेनी फेस्टिवल भारत के कुछ हिस्सों जैसे कि गोवा और केरल में मनाया जाता है। सही है। एपिफेनी ईसाई धर्म में तीन सबसे पुराने प्रमुख त्योहारों में से एक है। अन्य देव हैं आपके क्रिसमस और ईस्टर। क्रिसमस, ईस्टर और एपिफेनी तीन प्रमुख फेस्टिवल हैं क्रिश्चियंस के। सी गार्जियन युद्ध अभ्यास अरब सागर में चीन और मालदीव की नौसेनाओं के बीच हुआ था। एक्चुअली ये पाकिस्तान और चाइना के बीच हुआ था सी गार्जियन। ये गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, 1 एंड 2 ओनली करेक्ट। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, इस सूचकांक को ऊर्जा दक्षता अर्थव्यवस्था गठबंधन के साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा डेवलप किया गया है। सही है ये। उसके बाद है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन की दिशा में किए गए प्रयासों और उपलब्धियों के आधार पर राज्यों को चार कैटेगरीज में वर्गीकृत करता है। ये भी सही है। चार कैटेगरीज का नाम भी लिखा हुआ है, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर, एस्पिरेंट। उसके बाद राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में शीर्ष प्रदर्शन किया है हरियाणा, केरल, कर्नाटक ने, जो कि अचीवर श्रेणी में रखे गए हैं। इस बार किसी भी राज्य को फ्रंट रनर में नहीं रखा गया है। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। सारा का सारा यहाँ पर बता दिया गया आपको ये ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 के बारे में, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है? कोरोना वायरस केवल इंसानों को संक्रमित कर सकता है, जानवरों को नहीं। ये गलत है। माना कि चमगादड़ को नहीं करता है, लेकिन ये स्तनधारियों को कर सकता है, जैसे कि पिग्स, जैसे कि आपका कैट, जैसे कि आपका टाइगर, इनको भी कर सकता है। गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस के उदाहरण है। ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ओनली। 26 नंबर में पहला हमारा स्टेटमेंट है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबुधाबी में हुआ था, करेक्ट है। उसके बाद इस वर्ष के सम्मेलन की थीम थी वैश्विक खपत, उत्पादन और निवेश पर पुनर्विचार करना। ये भी सही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भारत में एक मौलिक अधिकार है, किसी कोर्ट ने कोर्ट किया है। तो हमारे तीनों ही आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, डी यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी डी। हमारे एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे हर चीज़ की डिटेल है कि अबू धाबी में हुआ था। उसके बाद वार्षिक कार्यक्रम है, 2011 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में आएगा, फंडामेंटल राइट में। क्वेश्चन नंबर 27 का पहला स्टेटमेंट है, आर्टमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का एक मानव मिशन है। ये मानव मिशन है, लेकिन आर्टमिस ये नासा परफॉर्म करने वाला है। 2024 में इनका लक्ष्य है कि पहली महिला अंतरिक्ष में भेजेंगे और दूसरा पुरुष भेजेंगे नाइल आर्मस्ट्रांग के बाद, ठीक है। और अमेरिका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान और इंडिया और चाइना चांद पर जो है अन्वेषण करने वाले मिशन पहले भेज चुके हैं। ये यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, ये सभी देश ऐसा कर चुके हैं। ताल ज्वालामुखी जापान का एक कॉम्प्लेक्स ज्वालामुखी है, कॉम्प्लेक्स ज्वालामुखी है, लेकिन ये आपका जापान में नहीं है, ठीक है, ये फिलीपींस का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 2 यानी बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 2011 में नासा ने अनाउंस किया था, इसका नाम है एक्सेलरेशन रीकनेक्शन टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ द मून्स इंटरेक्शन विद द सन, ये मिशन था, और 2024 में अंजाम दिया जाएगा। और ताल ज्वालामुखी के बारे में ये है कि एक कॉम्प्लेक्स वोल्केनो है, फिलीपींस में मनीला से 50 किलोमीटर अवे लुजोन आइलैंड है, वहाँ पर ताल में ये ताल नाम का एक ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाएं यानी कि क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा देने की मांग मराठी को उठ रही है, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है। तमिल हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज है, उड़िया जो है लेटेस्ट ऐड हुई क्लासिकल लैंग्वेज है, मलयालम पहले से है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 2 3 5, ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 5। और कब कब किस भाषा को दर्जा मिला था वो भी हमारी की में देख सकते हैं आप, दिया हुआ है।
लेटेस्ट सबसे कौन है जिसको क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा मिला था? उड़िया है, ठीक है। 2014 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज लैंग्वेज का दर्जा मिल गया था। वार्षिक हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन है यहाँ पर सही है बताना है? पहला है, इस सूचकांक के अनुसार जापान के पास दुनिया का शक्तिशाली पासपोर्ट है, सबसे शक्तिशाली यानी रैंक वन पर होगा ऑब्वियसली ये, और अफगानिस्तान जो है 107वें स्थान पर है। सही। भारतीय पासपोर्ट 2020 की रैंकिंग में 84वें स्थान पर है, ये भी सही है हमारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ सी यहाँ पर करेक्ट है। अभी पासपोर्ट की क्षमता होती क्या है जिस पर रैंकिंग दी जाती है, कि किस पासपोर्ट के सहारे बिना वीजा के अगर जितने देशों में यात्री जो है यात्रा कर सकता है तो उतना ही वो पासपोर्ट जो है शक्तिशाली होगा। ठीक है, आप पॉइंट समझ गए होंगे कि शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा होगा, जो पासपोर्ट अगर है नागरिक के पास तो उसको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं उस गंतव्य तक जाने के लिए। और ये बाकी सारी डिटेलिंग लिखी हुई है, इंडिया की रैंक इसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ब्रू समुदाय को रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, करेक्ट है। ये लोग जो है असम, मिजोरम और त्रिपुरा रीजन में देखने को मिलते हैं। सही। प्रख्यात सिंधी लेखक जो है वासुदेव मोही, उनका लघु कथा संग्रह चेकबुक, उसके लिए उन्होंने 29वां सरस्वती सम्मान जीता है, करेक्ट। ये पुरस्कार संविधान की अनुसूची 8 में, मतलब 8 शेड्यूल में जितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इनमें से किसी में पिछले 10 वर्षों में किसी भारतीय नागरिक को उसके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ये भी सही है क्राइटेरिया ये सरस्वती सम्मान का। हमारा आंसर हो जाएगा डी, सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में भारतीय सेना ने नासिक के निकट देवलाली में एक तोपखाने की मारक क्षमता अपना अपनी परखने के लिए प्रदर्शन किया था। सही। लोकतंत्र सूचकांक आया डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ये भी सही है। इस सूचकांक में इंडिया को रैंकिंग मिली है 51वीं, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। इस रैंकिंग में टॉप पर कौन है ये पूछा जा सकता है। रैंकिंग में टॉप पर नॉर्वे है और लास्ट में कौन सा है, ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया है। निम्नलिखित में से कौन से ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? ये HFCs, HCFCs हैं बिल्कुल, हाइड्रोब्रोमो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जितने भी मतलब हैलोजन से बन सकते हैं कार्बन वो होते हैं, चाहे वो ब्रोमीन से बने हो चाहे क्लोरीन से, तो दोनों होंगे। हैलोन्स भी हो सकते हैं, सही। मिथाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो सकता है, और मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुउद्देशीय बहुमॉडल प्लेटफॉर्म है, प्रगति इसका नाम है। प्रगति प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना इसका उद्देश्य है। सही। गति पोर्टल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा प्रगति पोर्टल की तर्ज पर बनाया गया है, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अब गति और प्रगति के क्या क्या अनुप्रयोग हैं? ये पोर्टल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रगति की तर्ज पर बनाया गया है। गति पोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं, तो गति वेबसाइट मतलब गति पोर्टल को NHAI की वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है। ठेकेदार और रियायतकर्ता परियोजनाओं से संबंधित सभी किसी भी मुद्दे के बारे में यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। प्रगति पोर्टल प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये पुरानी है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना, इसके साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है। ठीक है। इंटरपोल की जो नोटिसेज होती हैं कई कलर की, उनके बारे में है। कौन सा मिलान यहाँ पर सही है बताना है? तो रेड नोटिस प्रत्यर्पण या सामान कानूनी कार्रवाई के लिए वांछित व्यक्तियों के स्थान और गिरफ्तारी की मांग करना होती है, रेड नोटिस। ठीक है। येलो नोटिस लापता व्यक्तियों का पता लगाने, प्रायः नाबालिगों की या उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जारी की जाती है जो स्वयं को पहचानने मतलब स्वयं पहचाने जाने में असमर्थ हैं। ठीक है। ब्लैक नोटिस क्या होता है? अज्ञात लाशों के बारे में या निकायों लिख गया है, अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जारी की जाती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डी, सारे के सारे सही मैच हैं। और भी नोटिसेस होती हैं इंटरपोल की, जैसे कि पर्पल नोटिस, अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों और छिपने के तरीकों के बारे में किसी देश से जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी की जा सकती है इंटरपोल के द्वारा। ऑरेंज नोटिस में क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रक्रिया को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और आसन्न खतरे का प्रतिनिधित्व करने की चेतावनी
देने के लिए जारी किया जाता है देशों को, ब्लैक नोटिस, अज्ञात शवों के बारे में, ये सब है। इंटरपोल अनसिक्योरिटी काउंसिल्स की स्पेशल नोटिस उन समूहों या व्यक्तियों को जारी की जाती है जो CIN सिक्योरिटी काउंसिल प्रतिबंध समितियों के लक्ष्य के रूप में शामिल किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में छठी अनुसूची यानी सिक्स शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित प्रावधान निहित हैं। यहाँ पर बाकी सब लिखा हुआ है सही, लेकिन नागालैंड जो है इसमें नहीं शामिल है इन राज्यों में जिसमें प्रावधान दिए गए आर्टिकल नंबर 244 के तहत, तो इसमें नागालैंड नहीं होगा, यहाँ पर मिजोरम लिखना चाहिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चार राज्यों के राज्यपालों को इन राज्यों के कुछ आदिवासी बहुल जिलों क्षेत्रों को स्वायत्त जिला और स्वायत्त क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है, ये सही है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के साथ साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त किसी भी राज्य में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा ऑपरेशन क्लीन आर्ट की परिकल्पना की गई थी जिसका एकल उद्देश्य पूरे देश में नेवले के बालों के ब्रश का व्यापार प्रतिबंधित करना था, ये सही है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट पूछा भी जाता है हमारे एग्जाम में एनवायरनमेंट से, यही है कि नेवले के बालों से जो ब्रश बनते हैं उसको प्रतिबंधित करना। सूर्य किरण युद्धाभ्यास है भारत और नेपाल के बीच होता है, ये भी सही है, और ये इस बार हुआ था नेपाल के रूपनदेही जिले के सलकझंडी नाम के जगह पर। ये जो है साल में 2 बार होता है सूर्य किरण, एक बार हमारे यहाँ पर भारत में होता है, एक बार नेपाल में, तो दोनों ही यहाँ पर सही है, हमारे ऑप्शन सी सही है बोथ। हाल ही में छठा हिंद महासागर संवाद यानी इंडियन ओशियन डायलॉग जो कि हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है इसकी एक प्रमुख पहल है जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, ये सही है स्टेटमेंट। एक्चुअली ये एक ही स्टेटमेंट है, आप इसको एक ही मानिएगा, दो ये थोड़ा फॉर्मेटिंग में हो गया है, पहला करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये ट्रैक 1.5 टॉक है जो कि हिंद महासागर क्षेत्र के रणनीतिक मुद्दों पर शिक्षाविदों और अधिकारियों के माध्यम या उनके मध्य सार्वजनिक या मुक्त संवाद को प्रोत्साहित करती है, ये भी सही है। ये ट्रैक 1 जो कि शासकीय कूटनीति से संबंधित है, ट्रैक 2 यानी गैर राजकीय अभिकर्ताओं के माध्यम से बैक चैनल कूटनीति से संबंधित है यानी कि गोपनीय और औपचारिक वार्ता से उसका एक मध्यवर्ती स्वरूप है, ये भी सही है। तो हमारे पहला दूसरा सही है। पाकिस्तान जो है लिखा हुआ है हिंद महासागर तटीय क्षेत्र तटीय सहयोग क्षेत्र का एक सदस्य देश है, आपको बता दें ये वाला रॉन्ग है, तो 4 स्टेटमेंट रॉन्ग है, 1, 2, 3 करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हॉर्नबिल महोत्सव का नाम इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है जो नागालैंड का राजकीय पक्षी भी है, तो ये सही है। उसके बाद इंडियन हॉर्नबिल पक्षी का IUCN का दर्जा अब ये नियर थ्रीटेंड में था, अब इसको बदल करके इंडेंजर्ड कर दिया है, जबकि आपको बता दें नियर थ्रीटेंड में था फिर इसको असुरक्षित में कर दिया था, इंडेंजर्ड में नहीं किया था, संकटग्रस्त में नहीं किया था, असुरक्षित में कर दिया था यानी वल्नरेबल में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IUM ने वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020 जारी कर दी है, ये भी सही है। उसके बाद है कि पूरे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में सर्वाधिक प्रवासी चीन के हैं फिर भारत के हैं, ये उल्टा लिखा हुआ है, सबसे पहले भारत के हैं फिर चीन के हैं फिर मैक्सिको के हैं, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मिशन इंद्रधनुष योजना का उद्देश्य 8 टीका रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है, ठीक है, ये सही है। इसका सेकंड वर्जन आया है इंद्रधनुष का, इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष 2.0, इसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, मिलाइटिस, तपेदिक, खसरा, दिमागी बुखार जिसको मेनिनजाइटिस बोलते हैं और हेपेटाइटिस बी के टीके इसमें लगाए जाते हैं, सही है। चुनिंदा क्षेत्रों में जापानी इंसेफ्लाइटिस और होमोफिलस इन्फ्लुएंजा के टीके भी लगाए जाते हैं, ये भी सही है, हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तारांकित प्रश्न यानी स्टार्ड क्वेश्चन वे होता है जो एक सदस्य सदन में मंत्री के मौखिक उत्तर की रक्षा इच्छा करता है, सही। अतारांकित प्रश्न यानी अनस्टार्ड क्वेश्चन वो होता है जिसका लिखित उत्तर सदस्य द्वारा वांछित होता है, सही।
प्रश्नकाल के तुरंत पहले के समय को शून्यकाल कहा जाता है, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। एक्चुअली यह मिस्टेक हो गई थोड़ी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारा, ये दोनों ही करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्नकाल के तुरंत पहले का समय यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। पहले का नहीं होता है, तुरंत बाद का समय होता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड 2 ओनली बी। आगे क्वेश्चन है, इंस्टेक्स रशिया और चाइना के द्वारा शुरू किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका को दरकिनार करने वाला एक व्यापार संबंधित समझौता है। इसमें व्यापार संबंधित समझौता भी है, अमेरिका को दरकिनार करने वाली बात भी सही है, लेकिन ये आपका चाइना और रशिया का नहीं है, इसलिए हमारा 1 रॉन्ग हो गया। इंस्टेक्स सिस्टम जो है, इसमें जो वस्तु विनिमय की प्रणाली इसको कह सकते हैं, इसे डॉलर के उपयोग से बचते हुए ईरान के साथ व्यापार के खिलाफ प्रतिबंधों को रोकने के लिए इसे तैयार किया गया है। ऑब्वियसली ये यूएस के खिलाफ काम करेगा। इसमें यूरोपीय देश जैसे बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड और स्वीडन जो शेयरधारक के रूप में इंस्टेक्स में शामिल हुए हैं, तो इसमें रशिया चाइना नहीं है। इंस्टेक्स के संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग इसलिए। अगला है, इंस्टेक्स यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन को संयुक्त व्यापक कार्य योजना के अंतर्गत कठोर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ मानवीय व्यापार को जारी रखने की अनुमति देगा, ये भी सही है। JCPOA, जिसके बारे में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी देखा था, ये ईरान और P5+1 यानी कि चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ब्रिटेन और US, यानी 5 जो परमानेंट मेंबर हैं यूएन वाले वो, और ये 1 यानी कि जर्मनी, तो इनका एक विस्तृत समझौता है, सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर C, 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 42, 8वां भारत चीन संयुक्त प्रशिक्षण युद्धाभ्यास हैंड इन हैंड 2019 से जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। ये इसकी लोकेशन गलत दी हुई है, ये एक्चुअली हुआ था मेघालय के उमरोई में। बाकी हैंड इन हैंड ये आर्मी की एक्सरसाइज जो है हम चाइना के साथ करते हैं, सही है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन डेनमार्क का एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन जिसका नाम है FEE, जिसका मतलब होता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके द्वारा संचालित किया जाता है, सही। हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 बी। कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है? हाल ही में इलेक्ट्रिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बैटरी से चलने वाला उपकरण था जो निकोटीन युक्त घोल को हीट करता था और उसमें मादक धुएं का निर्माण करता था। ये डिवाइस थी बैटरी ऑपरेटेड, जिसमें आपकी लिक्विड निकोटीन को इवेपोरेट करके उसके वेपर्स लिए जाते थे पीने वाले के द्वारा। ई हुक्का जो इलेक्ट्रिक सिगरेट का ही एक उदाहरण है, सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, पहला स्टेटमेंट है, इनर लाइन परमिट ILP पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में लागू है, जो कि इनकरेक्ट है। ILP के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के अंतर्गत संरक्षित राज्य में जाने के लिए या प्रवेश करने के लिए या रहने की अनुमति प्रदान करता है। इस समय ILP सिस्टम कहाँ कहाँ पर लागू है? मणिपुर में लेटेस्ट में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में पहले से था, ठीक है। इन राज्यों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा जिनमें अभी लागू है। और ILP के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक यदि उस राज्य से संबंधित नहीं है तो इन राज्यों में नहीं जा सकता है, और ना ही वह व्यक्ति ILP के निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय पर वहां पर रह सकता है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, और ये वाला करेक्ट हो गया। हमने अभी देखा क्यों करेक्ट है, ये वाला हो गया करेक्ट। नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत लाभार्थी भारतीय नागरिक तो बन जाएंगे, जिनको लाभ मिल जाएगा दूसरी कंट्रीज से आने वाले यहाँ पर, लेकिन वो ILP राज्यों में बसने में सक्षम नहीं होंगे, ये करेक्ट है। इसको रिटेन करा गया है, ILP राज्यों में नहीं रह सकते, चाहे वो यहाँ के अभी के नागरिक हों या फिर जो CEA के तहत सिटीजनशिप एक्वायर करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर C, 2 एंड 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, संयुक्त अरब अमीरात UAE 2020 में अपनी राजधानी अबू धाबी में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 समिट जो है इस साल इंडिया में होनी है, यहाँ पर नहीं, या पिछले साल से सुन रहे होंगे जब सबमिट हुई थी एक्चुअल में, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल। 2020 में होने वाले सबमिट की थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ये करेक्ट है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय
पुर्तगाली समुद्री विरासत संग्रहालय की सहायता से गुजरात के लोथल में खुलेगा। ये सही है, हमारा आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 ओनली बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उड़ान योजना चीन में चल रहे कोरोना वायरस के प्रकोप से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार के प्रयास से संबंधित है। तो आपको बता दें बिल्कुल गलत है, उड़ान स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, उड़े देश का आम नागरिक, ना कि कोरोना संबंधित कोई बचाव कार्यक्रम। तो ये गलत हो गया। पीएम आशा योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करना है। ये सही है। और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना का परीक्षण यानी PPPS पीएम आशा योजना के 3 कंपोनेंट्स में से एक है। ये भी सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 एंड 3 ओनली बी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन बजट के विषय में कथन सही है? वैश्विक कार्बन बजट कार्बन चक्र में यानी कार्बन साइकिल में पृथ्वी के कार्बन भंडारों जैसे कि भूभाग और वायुमंडल के बीच कार्बन यौगिकों के आदान प्रदान, अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह का योग है। सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट। अगला है कि इसे यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि एक विशेष पूल, भंडार या क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोत के रूप में क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं। सही। और अगला है कि भारत जो है वैश्विक स्तर पर 30% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ये बहुत बड़ा आरोप है, ऐसा नहीं है, हम लोग उत्सर्जन करते हैं लेकिन इतना सारा नहीं। हम लोग जो है पूरे ग्लोब का 18% पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करते हैं लेकिन हम लोग जो है केवल 3% के लिए जिम्मेदार हैं उत्सर्जन के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड 2 ओनली ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। यहाँ पर सब सही है लेकिन राज्यसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, केवल लोकसभा के लिए है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग, मतलब पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग। दूसरा है, ऐसी जातियों और जनजातियों के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षित सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। करेक्ट। इस प्रकार से अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। करेक्ट। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 एंड 3 ओनली बी। नागरिकता संशोधन अधिनियम, सॉरी विधेयक के बारे में बात करनी है इसमें, जब विधेयक था तब ये। तो यह विधेयक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के 6 समुदायों के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बताने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करना चाहता है। सही। यह समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों पर लागू होगा, मतलब ये समुदाय जो नोटिफाई किए गए हैं इनमें से ये हैं 6। उसके बाद है कि यह इन 6 धर्मों या समुदायों से संबंधित लोगों के लिए नागरिकता के लिए नेचुरलाइजेशन का जो 12 वर्ष का प्रोसेस था इसको ढील करके 6 वर्ष करने का काम करता है। ये भी सही है, हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, जगह मिशन पश्चिम बंगाल की पहल है। ये पहली बात तो हो गया रॉन्ग, जगह मिशन जो है इसको यू इनहैबिटेट का पुरस्कार मिला भी, लेकिन ये बांग्लादेश सॉरी पश्चिम बंगाल सरकार का नहीं है, ओडिशा गवर्नमेंट का है। ओडिशा का जो ओडिशा लाइवली लिवेबल हैबिटेट मिशन जो चल रहा है OLHM, या इसको जगह मिशन वहाँ पर बोला गया है, इसको वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड में सिल्वर मेडल मिला है या फिर कहते हैं सिल्वर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या किया था इसने, राज्य सरकार की पहल थी जिसने हजारों मलिन बस्तियों के निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने हेतु समर्पित होकर काम किया था। ठीक है, इसमें वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड में आपको बता दें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन हम अपने ही देश के ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान रखेंगे। और वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड के बारे में बात कर लें तो ये वार्षिक पुरस्कार वर्ल्ड हैबिटेट के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट के साथ साझेदारी में यूके आधारित संगठन है, ये पुरस्कार देता है। ये वैश्विक स्तर पर अभिनव, उत्कृष्ट और क्रांतिकारी विचारों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों को पहचानता है और उनको बढ़ावा देने का काम करता है। नीचे दिए गए कथनों में किस पुरस्कार के बारे में बात की जा रही है बताना है। इस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में मान्यता मिली है। करेक्ट है। ये अधिकांश अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के विपरीत इस पुरस्कार में कोई ऐसी कैटेगरीज नहीं बनाई गई हैं, ये भी करेक्ट। ब्राजील के स्वदेशी नेता दवी कोपिनावा, चीनी महिला अधिकार वकील जो हैं गुवे जी नामी,
पश्चिमी सहारा मानवाधिकार के रक्षक अमीनतो हैदर को हाल में पुरस्कार मिला है सभी को। यह पुरस्कार उन साहसी लोगों और संगठनों को सम्मानित करता है जो वैश्विक समस्याओं के मूल कारणों को एड्रेस करने का काम करते हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पर आपको बता दें हम किस पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं। ये है आपका राइट लाइवलीहुड अवार्ड, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। इन तीन के अलावा ग्रीटा थुनबर्ग को भी सम्मानित किया गया था और बाकी इन सबके नाम लिखे हुए हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किसको नहीं सम्मानित किया गया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इसका। बढ़ते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 है, पर्यावरण प्रबुद्ध मंडल यानी कि थिंक टैंक है जर्मन वॉच नाम का, उसने अभी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 जारी किया था। ये जनवरी मंथ की बात है, दिसंबर जनवरी की। सही है ये। ग्लोबल वल्नरेबिलिटी लैडर में भारत की रैंक वर्ष 2017 में 14वें स्थान से और ख़राब होकर के 2018 में 5वें स्थान पर आ गई, ये भी याद रखिएगा। और गुजरात में बर्ड वॉक महोत्सव आयोजित हुआ था और गुजरात में गुजरात पहला राज्य बना ऐसा आयोजन करने वाला। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि आयोजन गुजरात में हुआ नहीं, ये हुआ था तेलंगाना में, तो ये गलत हो गया। लॉन्ग बिल्ड यानी लंबी चोंच वाले गिद्ध जो हैं भारतीय गिद्ध की प्रजातियों में से एक हैं, जिसे IUCN की रेड लिस्ट में घोर संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचित किया गया है, अधिसूचित किया गया है। करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 124C। निम्नलिखित में से कौन से विदेशी मुद्रा भंडार के कंपोनेंट हो सकते हैं? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां है, विदेश विशेष आरेखण अधिकार ये भी है, गोल्ड भी है, और आपका रिजर्व ट्रेंच स्टेटस भी है। रिजर्व मतलब रिजर्व ट्रेंच पोजीशन ये है, तो चारों ही हैं। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी सब आपको पता हो सकता है। रिजर्व ट्रांस स्टेटस शायद ना पता हो। रिजर्व ट्रांस पोजीशन मुद्रा का वह हिस्सा है जिसे प्रत्येक देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देना होता है यानी IMF को, जिसे किसी भी समय देश की नाजुक स्थितियों में बिना ब्याज के वापस लिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति पाइका विद्रोह के 200 वर्ष को मनाने के लिए उन्होंने एक स्मारक की आधारशिला रखी थी। कौन सा कथन यहाँ पर पाइकाओं के बारे में सही है बताना है। पहला है कि स्वतंत्र भारत का पहला युद्ध भी कहा जाता है, जो 1857 के सिपाही विद्रोह से काफ़ी पहले 1817 में हुआ था, सशस्त्र सिपाही विद्रोह। सही है ये। लेकिन पाइका जो है ये मैसूर के पारंपरिक योद्धा नहीं थे, ये विद्रोह हुआ था ओडिशा में, ये ओडिशा के पारंपरिक योद्धा थे। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली वन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत वर्चुअल शव परीक्षण करने वाला दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश होगा। सही। वर्चुअल शव परीक्षण में क्या होता है कि डॉक्टर मृत्यु के कारणों के बारे में जानने के लिए शव का परीक्षण करने के लिए विकिरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब हाथ नहीं लगाया जाता, बॉडी की चिड़फार नहीं की जाती है, वर्चुअल ऑटोप्सी। संथाली भाषा मुख्य रूप से भारतीय राज्यों जैसे कि असम, बिहार, झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। सही। अगला है कि संथाली भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है? नहीं, ये UNDP जारी करता है। उसके बाद है इसका शीर्षक आय से परे, औसत से परे, आज से परे, 21वीं शताब्दी में मानव विकास में असमानताएं, ये भी सही है। उसके बाद HDI स्वास्थ्य को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा होती है यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, उससे मापता है। सही। उसके बाद है आपका भारत को 2019 में HDI में 189 देशों में 131वां स्थान मिला है, जो कि गलत है। भारत को स्थान मिला है 129th, तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर 2 and 3 ओनली। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे मिला है? नॉर्वे को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्विट्जरलैंड को और आयरलैंड को। तीसरा, लैंगिक असमानता सूचकांक के बारे में बताना है। इसे वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया गया था। ये अवसर लागत को मापने हेतु 3 आयामों का प्रयोग करता है, प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, श्रम बाजार भागीदारी। लिंग असमानता सूचकांक में भारत 162 देशों की सूची में 122वें स्थान पर है।
हमारे तीनों स्टेटमेंट यहां पर हो जाएंगे करेक्ट, और आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर डी। आगे क्वेश्चन है हमारा, पॉक्सो अधिनियम जो संशोधन हुआ है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, अश्लील साहित्य यानी पोर्नोग्राफी संबंधित अपराधों से बचाने के लिए पॉक्सो अधिनियम 2012 में आया था, ये सही है। उसके बाद है कि 2019 में संशोधन के माध्यम से 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की या लड़के दोनों की सुरक्षा हेतु उत्तेजक छेदक यौन उत्पीड़न की मामले में या स्थिति में अपराधी को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिलीपींस, इंडिया, रशिया द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बन जाएगा, ठीक है। इसे पनडुब्बी, जहाज, विमान या भूमि से दागा जा सकता है, सही है। ब्रह्मोस के बारे में काफ़ी दिन से न्यूज़ में आ रहा है, आपको पता होगा ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ऑपरेशन में दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, सही है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है डी। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कौन सा सही है। हरित ग्लोबल पुरस्कार या फिर कह सकते हैं ग्रीन नोबल प्राइज एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, करेक्ट है ये। USMCA एक व्यापारिक समझौता है जो 25 वर्षीय पुराने अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते नाफ्टा को प्रतिस्थापित करने वाला है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। ये ग्लोबल नोबल, ये आपका ग्रीन नोबल क्यों न्यूज़ में था इसका कारण भी बता देते हैं हमारी की दिया हुआ है कि हरित नोबल पुरस्कार विजेता प्रफुल्ल समंतारा ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित पश्चिम बंगाल के दीघा से दक्षिण ओडिशा के गोपालपुर तक बनने वाले प्रस्तावित 415 किलोमीटर लंबे तटीय राजमार्ग का विरोध किया था, इस वजह से ये पुरस्कार चर्चा में आया था। और ये विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चिल्का झील, भितरकनिका नेशनल पार्क दोनों से होते हुए ये गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, नासा ने वर्ष 2025 में पृथ्वी की कक्षा से अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए 4 आर्म्ड रोबोटिक चेजर प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है। ये योजना का नाम सही है लेकिन इसको नासा ने नहीं बनाया, योजना को 2025 के लिए टारगेट किया है, इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने टारगेट किया है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। इस मिशन का लक्ष्य वेस्पा नामक मलबे के एक ढेर को हटाना है जो पृथ्वी से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, सही है। रिमूव डेब्रिस मिशन एक उपग्रह आधारित अनुसंधान परियोजना है जिसका प्रयोजन या फिर उद्देश्य विविध अंतरिक्ष मलबे को हटाने वाली प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करना है, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 2 एंड 3 ओनली। 62 नंबर क्वेश्चन है वो वाईफाई के बारे में। वो वाईफाई एक वाईफाई आधारित वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सेवा है, करेक्ट है ये, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस। उसके बाद है कि वो वाईफाई वॉइस कॉल, व्हाट्सएप या किसी अन्य ओवर द टॉप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से होने वाले कॉल के समान ही है, परंतु यहाँ ऐप उपयोग के बिना कॉल एक नंबर से दूसरे नंबर पर की जाती है। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। उसके बाद है कि बोरिसोव एक तैरता हुआ रशिया का न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये इनकरेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, 1 एंड 2। अब ये बोरिसोव है क्या फिर? बोरिसोव एक धूम केतु है, सौर मंडल से गुजरने वाला अब तक का दूसरा अंतर तारकी यानी कि इंटरस्टेलर पिंड है। इस प्रकार का प्रथम पिंड जो है कुआमुआवा जो है ये देखा गया था 2017 में। सौर मंडल में उद्भवित पिंड सूर्य के चारों ओर और दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, किंतु अंतर तारकीय पिंड अति परवलयिक यानी कि आपका ये हाइपरबॉलिक पाथ है इसका अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में नामित कर सकते हैं, ये कथन हमारा सही है। उसके बाद है कि अनुच्छेद 333 बताता है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं यदि उनको लगता है कि उनको सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, वो एक सदस्य ही कर सकते हैं। यहाँ पर 2 के बारे में लिखा है, ये हो जाएगा रॉन्ग। संविधान के 126वें संशोधन विधेयक में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण कोटे का विस्तार प्रस्तावित नहीं किया गया है जो
25 जनवरी 2020 से समाप्त हो चुका है। ऑब्वियसली ये सही है, न्यूज़ मेरा था काफ़ी। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड 3 सी। साहित्य अकेडमी पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जा सकता है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार में संविधान में जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उसी में काम करने वाले ऑथर्स को, उसी में उत्कृष्ट काम करने वाले ऑथर्स को मिलता है, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें 22 तो हैं ही प्लस 2 हैं, 22 प्लस 2, हमेशा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और राजस्थानी भी शामिल है। अगला है साहित्य अकेडमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए गए या फिर दिए जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार के पश्चात यानी उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, तो हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर नहीं है, हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर हमारे यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये जो है ये पदानुक्रम में सेकेंड पर आता है, ये करेक्ट है हमारा आंसर। आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा बी ओवरऑल 1 एंड 3। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि हिंदी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार लेटेस्ट वाला किसे मिला है? इंग्लिश में तो शशि थरूर को मिला है एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना? स्ट्रैंड हॉग हाल ही में खोजा गया एक धूम केतु है जो पृथ्वी से टकरा सकता है, ये इसको गलत इन्फॉर्म किया गया है। स्ट्रैंड हॉग है क्या वैसे? स्ट्रैंड हॉग एक बग है जिसने रियल टाइम मालवेयर को कह सकते हैं एक्सेस दिलवाने का काम किया था। वास्तविक ऐप की तरह रियल टाइम मालवेयर काम करता है। केंद्र ने राज्यों को अलर्ट किया था जब इंडियन एक्सप्रेस ने इसका खुलासा किया था कि NSO करके एक इजरायली साइबर कंपनी है जिसने ये रिलीज़ किया है टारगेट करने के लिए, व्हाट्सएप के जरिए कुछ जर्नलिस्ट को टारगेट करने के लिए छोड़ा गया था, ठीक है। तो ये हमारा है आपका स्ट्रैंड हॉग, ये एक कोई धूमकेतु नहीं है। अब सरकारी तात्कालिक संदेश सेवा प्रणाली GIMS के बारे में अगर हम बात कर लें तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम की तरह आपका ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, इस पर विचार किया जा रहा है कि इसको डेवलप करेंगे। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया, ये वाला इनकरेक्ट हो गया। आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर केवल 2 बी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टैगफ्लेशन धीमी आर्थिक वृद्धि और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी या बढ़ती कीमतों या मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक ठहराव की स्थिति है। सही है, स्टैगफ्लेशन में सब देखने को मिलता है, जो फीचर लिखे हैं लॉरेंज कर्व मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक व्युत्क्रमण संबंध को दर्शाता है, जैसे जैसे बेरोजगारी घटती है मुद्रास्फीति बढ़ती है। ये जो कर्व है ये लॉरेंस कर्व नहीं होता, ये फिलिप कर्व होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली ए यानी ओनली 1। फिलिप कर्व और लॉरेंस कर्व में डिफरेंस होता है। फिलिप कर्व ये दिखाता है कि आर्थिक विकास मुद्रास्फीति के साथ जो है आता है और बदलते हुए कह सकते हैं दौर में मुद्रास्फीति के साथ आपको बढ़ती हुई नौकरियां और कम बेरोजगारी देखने को मिल सकती है, फिलिप कर्व है। लॉरेंस कर्व क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि प्रत्येक बिंदु पर उन व्यक्तियों की आय कितनी है, एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे कौन कौन लोग हैं। लॉरेंस कर्व किसी भी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात करने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमिताभ बागची को अभी उनके उपन्यास हाफ द नाइट इज गॉन के लिए दक्षिण एशियाई साहित्य हेतु जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है DSC पुरस्कार, इसको आपका साउथ एशिया का लिटरेरी नोबल मानते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट है, और इस बार जो है भारतीय को मिला है ये DSC पुरस्कार, इस वजह से हमारे लिए याद रखना भी ज़रूरी है। हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट। NRC NPR के NRC के विपरीत NPR, ठीक है, एक नागरिकता अभियान नहीं है क्योंकि यह विदेशी के साथ साथ स्थानीय क्षेत्र में 6 महीने से अधिक समय तक निवास करने का रिकॉर्ड भी रखेगा, यानी कि इसमें सिटीजन का नहीं, NPR में कोई अगर फॉरेनर भी 6 महीने तक अगर यहाँ पर निवास कर रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाना है NPR में, ये भी सही है। पॉपुलेशन का रजिस्टर है, सिटीजन्स का नहीं, करेक्ट। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR आपका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। सब चीज़ें काफ़ी दिसंबर जनवरी में बहुत न्यूज़ में रही थी, आपको पता होना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट सही है, डी। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? इटली ने वार्षिक गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन पुरस्कार अब देने की घोषणा की है, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि गांधी सिटीजनशिप पुरस्कार अनाउंस किए थे पुर्तगाली प्रधानमंत्री, पोर्चुगल के प्रधानमंत्री जो उस समय थे एंटोनियो कोस्टा, इन्होंने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन पुरस्कार की स्थापना की, हर साल ये पुरस्कार देने की घोषणा की। ये पुरस्कार गांधी के विचारों और उद्धरणों से प्रेरित होना था।
कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये कर्नाटक में नहीं बन रहा है, ये आपका बन रहा है तेलंगाना में। तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। वर्तमान में कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ये करेक्ट है। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, 3 ओनली। आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में रोहतांग पास के नीचे रणनीतिक सुरंग यानी कि स्ट्रैटेजिक टनल जो कि हिमाचल प्रदेश लद्दाख को जोड़ेगी, उसका नाम बदल करके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया, अटल टनल। करेक्ट है, ये 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग है, 3,000 मीटर की एल्टीट्यूड पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग भी है। करेक्ट। माइक्रो डॉट्स बहुत छोटे आकार के यानी कि जिनका डायमीटर करीब 1 मिलीमीटर होता है, टेक्स्ट इमेजेस होते हैं जो अभी अन्य अभिप्रेत प्राप्तकर्ताओं द्वारा जानकारी का पता लगाने के रोकने के लिए होते हैं। ये भी करेक्ट है कि उनको एक्सेस ना मिले किसी भी चीज़ की जानकारी लेने का, जिनको उनका एक्सेस नहीं देना है। ठीक है, छोटे आकार के कारण माइक्रो डॉट्स का पता लगाना और इसे निकालना असंभव है। ये भी करेक्ट है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। माइक्रो डॉट आइडेंटिफायर्स जो हैं ये लगाए गए थे आपके ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, चेसिस एक्सेट्रा में, जिसको जो स्कैनर से ही स्कैन किया जा सकता था। आपकी चेसिस नंबर तो लोग मिटा देते हैं, उसको जो है गला देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं, लेकिन माइक्रो डॉट आइडेंटिफायर कभी डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं अपने छोटे साइज के कारण। हमारी आंसर की में हर चीज़ का पूरा ब्यौरा दिया रहता है, जैसे माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी जो है इसके बारे में पूरा दिया हुआ है, फिर आपका अटल टनल के बारे में दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं सबके बारे में दिया रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 का पहला स्टेटमेंट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 2020 में सूर्य का अध्ययन करने वाला अपना पहला मिशन आदित्य L1 लॉन्च करेगा, सही है? आदित्य L1 का काम सूर्य के कोर का परीक्षण करना होगा, बिल्कुल गलत है, कोर तक नहीं जाएगा ये, कोरोना का परीक्षण करेगा। ठीक है, बाह्य जो आपकी होती है परत सूर्य की, कोरोना, उसका परीक्षण करेगा। आदित्य L1 के लैग्रांजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक खोखली कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है, करेक्ट। और लैग्रेंज बिंदु, ये आपका लैग्रांजियन बिंदु L1 क्या होता है, अंतरिक्ष में एक स्थान होता है जहां पर दो बड़े पिंडों जैसे कि पृथ्वी और सूर्य या पृथ्वी और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल तीसरे किसी छोटे पिंड द्वारा महसूस किए जाने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है, ये करेक्ट है। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर A134। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुंबई में फिल्म की कैटेगरी में, मुंबई को फिल्म की कैटेगरी में, हैदराबाद को पाक विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, यानी गैस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आ सकता है हमारे एग्जाम में। हलीम जो है, हलीम अगर किसी को पता होगा मोहम्मडन को, हलीम जो है एक डिश होती है, इसको भौगोलिक संकेतक मिला है, ये भारत का पहला कह सकते हैं हम लोग मांस आधारित भौगोलिक उत्पाद था जिसको मिला हुआ है, इसको मिला था काफ़ी पहले, लेकिन हम चूंकि हैदराबाद के बारे में बात कर रहे हैं गैस्ट्रोनॉमी की, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी करेक्ट हैं, यहाँ पर करेक्ट होगा C 1 एंड 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा कथन है यहाँ पर सही है बताना है? पेगासस जिसके बारे में बात कर चुके हैं, इसराइल द्वारा जारी किया गया एक स्पाई वेयर था, यहाँ पर लिखा हुआ है एक क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट था, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हमारे देश में है, गुरुग्राम हरियाणा में, ये पेरिस में नहीं है, करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया ये भी। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, भारत द्वारा शुरू किए गए 121 देशों का एक गठबंधन है, अधिकांश जो सनशाइन देश हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी सीधे पड़ती है या पूरी तरीके से या आंशिक रूप से जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है उनका गठबंधन है, करेक्ट है ये। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए यानी कि 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 73, चक्रवात महा जो है ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था लिखा है, ये करेक्ट है। अगला है, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती हवा की चाल आपकी हो जाती है वामावर्ती और दक्षिण गोलार्ध में हो जाती है आपकी दक्षिणावर्ती, इसमें लिखा हुआ है उल्टा, इसमें लिखा हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती हवा की चाल दक्षिणावर्ती हो जाती है जो कि रॉन्ग है। ऊर्ध्वाकार हवा में गति में होने वाले छोटे बदलावों के कारण चक्रवाती सृजन होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सृजन होता है, इसकी परिस्थिति अनुकूल हो जाती है, यहाँ पर छोटे बदलाव होंगे कोई बड़े बदलाव नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा A 1 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 74 है, पत्थलगढ़ी आंदोलन महाराष्ट्र से संबंधित है। ये तो आपको पता ही होगा, अगर बहुत डीप नहीं पता है, कि ये झारखंड का है। ठीक है, पत्थलगढ़ी का संबंध झारखंड से है। पत्थलगढ़ी आंदोलन जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर गढ़ना, इसके अंतर्गत आदिवासियों द्वारा अपने संवैधानिक और अन्य अधिकारों के बारे में जनजातीय लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े शिलालेखों पर अपने विधियों और अपने कानूनों को लिखने की परंपरा है। ये करेक्ट है, पत्थलगढ़ी। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा, हाइगिया हाल ही में पश्चिमी घाट में पाया गया एक सांप की प्रजाति है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, एक्चुअली ये ड्वार्फ प्लैनेट है जो अभी खोजा गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ इसकी मंजूरी दे देता है तो ये हमारा छठा ड्वार्फ प्लैनेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एरिस मॉकमैक ह्यूमिया सेरेस हमारे सौर मंडल के बौने ग्रहों के नाम है। ये करेक्ट है, ये चार हो गए और पांचवा प्लूटो है, और अगर हाइगिया बन जाता है तो छह हमारे ड्वार्फ प्लैनेट हो जाएंगे सोलर सिस्टम के। डस्ट लीक अभ्यास पहली बार हुआ था, युद्ध अभ्यास है ये सैन्य अभ्यास है। भारत सीशेल्स नहीं करते हैं, भारत और उज्बेकिस्तान ने किया था पहली बार ताशकंद में। हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर 76 है, अंतरिक्ष या एंट्रिक्स इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। करेक्ट है, और नाविक NAVIC जो है 8 उपग्रहों की एक भारतीय प्रणाली है। करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, वन एंड टू बोथ। 77 नंबर क्वेश्चन है कि पांचवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। ये महोत्सव जो है ये हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में विश्व बंगला सम्मेलन केंद्र है इसका। पांचवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन मोदी जी ने किया था, ये कलकत्ता में हुआ था। इस वर्ष की थीम थी राइज इन इंडिया, अनुसंधान नवाचार विज्ञान द्वारा राष्ट्र का सशक्तिकरण। उसके बाद एलिफेंट बॉन्ड के बारे में है, एलिफेंट बॉन्ड जो है बिना किसी डर के, बिना किसी अभियोजन के डर के अपने अघोषित संपत्ति को भारत में लाने का एक मार्ग प्रदान करता है। 25 वर्ष का एक सोवरेन बॉन्ड है, जो भी अपनी अघोषित आय की घोषणा करता है उसका 50% हिस्सा इसमें इन्वेस्ट करने की बाध्यता होगी, बाकी आप अपने पास रख सकते हैं। इस बॉन्ड से बने फंड का उपयोग केवल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला की अध्यक्षता में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था ये, या फिर इसका जो है सृजन किया गया था इस बॉन्ड का। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, हाथी गलियारों से इसका कोई लेना देना नहीं है। और फोर्थ है, एलिफेंट बॉन्ड की स्थापना सुरजीत एस भल्ला की अध्यक्षता वाली कमेटी ने की। करेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, टू एंड फोर। क्वेश्चन नंबर 78, अतिथि है भारतीय सीमा शुल्क यानी कि इंडियन कस्टम्स का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का निगरानी डैशबोर्ड है, ऐसा लिखा हुआ है और बाद में उसके फीचर्स, लेकिन ये गलत है, आइस डैश है यहाँ पर, इंडियन कस्टम्स का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निगरानी डैशबोर्ड, ये रॉन्ग है। और नीचे अतिथि ऐप होना चाहिए, इंटरचेंज कर दिए इनके नाम। अतिथि ऐप क्या करेगा, हवाई अड्डों पर कोई परेशानी ना हो, तेजी से निकासी हो सके और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों और आगंतुकों के अनुभवों को समृद्ध बनाया जा सके, ये काम है यहाँ पर अतिथि का। तो ये दोनों रॉन्ग हो गए, आपस में इंटरचेंज हो गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, करेक्ट है। उसके बाद इंडिया की रैंक रही है 2019 में 190 देशों में 63वीं, पिछले साल थी 77वीं। इंडिया ने लगातार खुद को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इम्प्रूव किया है। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, थ्री एंड फोर ओनली। क्वेश्चन नंबर 79 है, पेरिस जलवायु समझौते वाले देशों को बढ़ते वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने और तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने हेतु तो प्रतिबद्ध कर किया गया है। तो ये सही है आपका, जलवायु परिवर्तन का ये पेरिस समझौता जो है इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको। ये कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बाध्यकारी लिखा है तो हमारा ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। बंजर भूमि एटलेस पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है, ये पब्लिश इनके द्वारा नहीं की जाती है, ये वाला रॉन्ग हो गया। बंजर भूमि एटलेस 2019 देश में बंजर भूमि की विभिन्न श्रेणियों का राज्य और जिलेवार विवरण प्रदान करता है, ये सही है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वन एंड फोर ओनली, यानी कि सी।
बंजर भूमि एटलस को प्रकाशित कौन करता है? भूमि संसाधन विभाग और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है ये। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, रेड एटलस मानचित्र का उद्देश्य बाढ़ शमन की तैयारियों, संचालन और प्रबंधन पहलू है, तो ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद सी फ्लोस चेन्नई, ये एक पूर्ण वेब आधारित जीआईएस आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली है जिसका प्रयोग बाढ़ से पहले शमन योजना संचालन राहत कार्य जैसे दोनों पहलुओं के लिए वास्तविक समय में या रियल टाइम में किया जा सकता है इसका प्रयोग। तो ये भी सही है, इन दोनों का काम आप ध्यान रखिएगा, आंसर सही हो जाएगा हमारा सी। इसके बारे में डिटेलिंग है कि रेड एटलस किसने तैयार किया है? भारतीय तटीय अनुसंधान केंद्र, भारतीय मौसम विभाग और राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और ग्रेटर चेन्नई नगर निगम के साथ मिलकर के तैयार किया है इसको। सी फ्लोस जो है इसका प्रयोग फिलहाल चेन्नई में किया जा रहा है, लेकिन मुंबई सहित कई शहर जो है इसको एमुलेट करने का काम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय जलमार्ग वन, नेशनल वाटरवे वन, प्रयागराज से हल्दिया तक भारत का सबसे लंबा वाटरवे है, सही है ये। उसके बाद है कि 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग टू यानी कि नेशनल वाटरवे टू के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी का सादिया धुबरी खंड जो है असम में राज्य में स्थित है, इसको घोषित किया गया था, करेक्ट है ये भी। उसके बाद है कि कैरेट 2019 भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया नौसेना का युद्ध अभ्यास है, इसको यूएस और बांग्लादेश ने किया था, भारत इसमें नहीं शामिल था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वन एंड टू ओनली, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यूजीलैंड जो है आसियान का एक सदस्य है, ये लिखा हुआ है। आपको बता दें कि आसियान में 10 सदस्य हैं और 6 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया भी आसियान का ऑब्जर्वर कंट्री है, न्यूजीलैंड भी है, तो ये मेंबर नहीं है, वन इनकरेक्ट हो गया। आरसीईपी यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप औपचारिक रूप से कैम्बोडिया में आसियान के शिखर सम्मेलन में इसको शुरू किया गया था, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि भारतीय वायु गुणवत्ता इंटरेक्टिव कोष, इसको इंड एयर नाम दिया है, इसको सीएसआईआर के नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, ये भी सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर टू एंड थ्री ओनली बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, फिर से बताइए आप। 83 में शाला दर्पण पोर्टल नवोदय विद्यालय समिति के लिए एक ई गवर्नेंस स्कूल स्वचालन और प्रबंधन प्रणाली है, ये सही है हमारा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला है फैनी नदी, भारत और चाइना के बीच एक सीमावर्ती नदी है जिस पर पानी के अधिकारों को लेकर विवाद चल रहा है, ये विवाद चल रहा है फैनी को लेकर, लेकिन ये भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा है ना कि चाइना के बीच। मुहुरी नदी जिसे लिटिल फैनी भी कहा जाता है, ये फैनी नदी की दाहिनी सहायक नदी है, ठीक है, यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वन एंड थ्री सी। फैनी नदी जो है इसके बारे में दिया हुआ है कि ये दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलती है और सबरूम शहर से होती हुई फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 84, सॉशेप एक अंतर सरकारी संगठन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके सदस्य देश हैं, सही है। SASP वर्ष 1995 में दक्षिण एशिया के 5 समुद्र तटीय देशों के मध्य हिंद महासागर को साझा करने वाला एक क्षेत्रीय समझौता है, करेक्ट है ये भी। SASP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के तत्वाधान में स्थापित एक क्षेत्रीय समुद्र कार्यक्रम का भाग है, ये भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। 85 में पहला यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ये बांग्लादेश में बाढ़ लगाने से संबंधित नहीं है ये। और SSS परियोजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित किए गए टीके सुरक्षित हैं या फिर नहीं, ये है इसका उद्देश्य, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ओनली टू, ये करेक्ट हो जाएगा। 3S है क्या? 3S यानी कि स्मार्ट सेफ्टी सर्विलांस, ये आपका प्रणाली है, ये प्राथमिकता वाली दवाओं और टीकों की पोस्ट मार्केटिंग की निगरानी करके उनको अत्यधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से निर्मित की गई एक योजना है। भारत में वितरित किए गए टीकों की सीमित सुरक्षा आंकड़ों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसकी अनुशंसा की थी। 86 से निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन चुने। प्रथम इंडियन ब्रेन एटलस IBA 100 CSIR ने विकसित किया, ये गलत है, इसको IIIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
हैदराबाद ने विकसित किया, ये अभी पूछा गया था यूपीपीसीएस ACF मेंस पेपर में, पेपर वन में। ये एटलस के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कोकेशियन और पूर्वी पूर्वी यानी कि चीनी और कोरियाई प्रजातियों के लोगों की तुलना में एक भारतीय भारतीयों के औसत मस्तिष्क का आकार, ऊंचाई, चौड़ाई और भार में थोड़ा छोटा था। करेक्ट है ये फाइंडिंग। उसके बाद है, हाल ही में सांस कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्षय रोग से निपटने के लिए शुरू किया था। ये टीबी यानी क्षय रोग से निपटने के लिए नहीं, निमोनिया से निपटने के लिए शुरू किया गया था। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ओनली सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाल ही में भारतीय इंटरनेट और मोबाइल संघ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है इंडिया इंटरनेट 2019। इंडिया इंटरनेट 2019 फाइंडिंग्स के अंतर्गत दिल्ली NCR की इंटरनेट एंट्री रेट सबसे अधिक है देश में, ठीक है। उसके बाद केरल है। फ्रीडम हाउस ऑफ नेट रिपोर्ट 2019 का शीर्षक है द क्राइसिस ऑफ सोशल मीडिया। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था द फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया जाता है। फ्रीडम हाउस नेट रिपोर्ट 2019 में भारत में इंटरनेट स्वतंत्रता के दर्जे को आंशिक रूप से स्वतंत्र बताया गया है। तो ये सारे के सारे फाइंडिंग्स इंटरनेट के बारे में करेक्ट है। आप यहां पर लगाइए डी, सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, विश्व का पहला CNG बंदरगाह टर्मिनल महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ये रॉन्ग है, ये आपका गुजरात में बनाया जाएगा। CNG प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके बनाई जाती है। मानक वायुमंडलीय दाब पर ये 1% से कम आयतन घेरती है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि प्रोपेन CNG का मुख्य घटक है, बिल्कुल नहीं। CNG का मुख्य घटक कौन सा है? आपका मिथेन है। तो हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा ओनली सेकंड, केवल दो, यानी कि बी। गुजरात में बनेगा ये, गुजरात सरकार के भावनगर में विश्व का पहला CNG बंदरगाह टर्मिनल को मंजूरी दे दी है। इस संयुक्त रूप से यूके का जो फोरसाइट ग्रुप है और मुंबई आधारित पद्मनाभ मफतलाल ग्रुप है वो इसको डेवलप करेंगे। प्राकृतिक गैस के बारे में भी सब दिया हुआ है। CH4 मिथेन से बनती है। गैसोलीन से चलने वाले वाहनों की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे हानिकारक उत्सर्जनों को 95% तक हम कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्वच्छ निर्मल तट अभियान के अंतर्गत पहचाने गए 50 समुद्री तटों में सर्वाधिक जो है पश्चिम बंगाल से हैं। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो आइडेंटिफाई किए हैं ये 50 तट स्वच्छ निर्मल तट अभियान के तहत, इसमें पश्चिम बंगाल का कोई भी तट यहाँ पर शामिल नहीं है। इसमें गुजरात, दमन दीव और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और ओडिशा के तट शामिल हैं। इसमें मतलब इंटरेस्टिंगली पश्चिम बंगाल का कोई जिक्र नहीं किया गया है। समुद्र तटों और समुद्रों के लिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन जो है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके द्वारा संचालित किया जाता है, ये करेक्ट है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि जापान और दक्षिण कोरिया दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र देश है जिसके पास ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, ये भी करेक्ट है। हमारा अगला स्टेटमेंट है हमारा कि ओडिशा का जो कोणार्क तट पर चंद्रभागा समुद्र तट जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था वो एशिया का पहला देश होगा, मतलब एशिया का पहला देश जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ था। चीज़ काफ़ी न्यूज़ में रही थी, 2018 सितंबर या अक्टूबर की बात है ये। हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 234, यानी कि बी। 234 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ष 2013 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जीवन चक्रों में प्रचलित यानी कि लाइफ साइकिल में जो आयरन की कमी अनीमिया की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति के रूप में राष्ट्रीय आयरन प्लस इनिशिएटिव शुरू किया था, ठीक है, सही है ये। उसके बाद है कि अनेमिया मुक्त भारत योजना 2018 में जो आई थी, तीव्र राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू की गई है जिससे कि अनेमिया की गिरावट की वार्षिक दर को हम 1 से 3% तक बढ़ा सकें। अनेमिया में गिरावट की वार्षिक दर को और हमको घटाना है। पोषण अभियान का लक्ष्य वृद्धि में रुकावट, अल्प पोषण अनीमिया बच्चों, छोटे बच्चों में, महिलाओं में और किशोर लड़कियों में इसको कम करना है और जन्म के समय वजन को 2%, 2% और 3% और 2% प्रतिवर्ष की दर से कम करने का लक्ष्य है। तो ये सारे टारगेट्स हैं आपके पोषण मिशन के और आपकी अनीमिया से निपटने वाली स्कीम्स के, अनीमिया मुक्त भारत योजना के, तो
हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, आंसर है डी। 91 में बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। हाल ही में चाइना ने शून्य कार्बन अधिनियम पारित किया है जो वर्ष 2050 या उससे पहले कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्धता दिखाता है। ये अधिनियम न्यूजीलैंड लेकर के आया था तो चर्चा में आई थी ये बात काफ़ी। चाइना ने ऐसा कोई अधिनियम नहीं पारित किया है। बायोजेनिक मीथेन का उत्पादन जैविक स्रोतों से होता है, यानी कि पशुओं से, पौधों से। आपको मीथेन के सारे सोर्सेस पता होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में और यूपीपीसीएस एग्जाम में, करेक्ट है ये। उसके बाद आपका मीथेन CO2 की तुलना में अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 ओनली, बी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मकड़ी की नई प्रजाति का नाम विराट कोहली पर रखा गया था, करेक्ट है। नासा ने अपने पहले ऑल इलेक्ट्रिक प्रायोगिक विमान एक्स मैक्सवेल के शुरुआती संस्करण का प्रदर्शन किया। एक्चुअली यहाँ पर सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। ये जो है सचिन तेंदुलकर के नाम पर के मकड़ी का नाम रखा गया था, विराट कोहली के नाम पर नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सेकंड ओनली। गुजरात पारिस्थितिकी शिक्षा एवं अनुसंधान फाउंडेशन में एक जूनियर शोधकर्ता ने अपने PhD शोध के दौरान एक मकड़ी की खोज की थी, उसका नाम तेंदुलकर के नाम पर रख दिया। उसका नाम रखा उन्होंने मैरेंगो सचिन तेंदुलकर, ठीक है, हो सकता है वो सचिन फैन हो। उन्होंने एक और मकड़ी की प्रजाति खोजी थी, उन्होंने संत कोरिकोस एलियास शावरा के नाम पर रख दिया था, इंडो मोरेंगो शावराप्टर, ठीक है, जिन्होंने केरल में शिक्षा के बारे में जागरूकता उत्पन्न की थी। कोरिकोस एलियास शावरा, इनके नाम पर रख दिया मकड़ी का नाम, ठीक है। नासा ने अपने पहले इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का अनावरण किया था। नासा ने अपने पहले ऑल इलेक्ट्रिक प्रायोगिक विमान X-57 जिसका कोड नेम मैक्सवेल है, इसका प्रदर्शन किया था। आप इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और ये क्या चीज़ है, ये आपका ऑल इलेक्ट्रिक हवाई जहाज है नासा का। हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है, मिहिर शाह समिति केंद्रीय जल संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने हेतु स्थापित की गई है, ये करेक्ट है। इनको 6 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, 10 सदस्य हैं इसमें। टाइगर ट्रम्फ भारत अमेरिका का ये ट्राई सर्विसेस मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास था जो विशाखापट्टनम में हुआ था, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, भारत वर्ष 2020 में शंघाई शिखर सम्मेलन के सरकार प्रमुखों की परिषद बैठक की मेजबानी करेगा। ध्यान रखिएगा, इंडिया समिट की मेजबानी नहीं कर रहा है, सरकार प्रमुखों की परिषद की सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, ठीक है, यानी कि काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स की मेजबानी कर रहा है। समिट कहाँ पर होगी हम देख ही चुके हैं इसी वीडियो में। शंघाई सहयोग संगठन वर्ष 2001 में चीन के शंघाई में गठित एक अंतर सरकारी संगठन है, ये भी सही है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। संस्थापक सदस्यों में चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये भी सही है। उसके बाद इसकी आधिकारिक भाषाएं रशिया और रशियन और चाइनीज हैं, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 95 में बताना है, अपने हाल ही में निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI का जो ऑफिस है वो भी RTI एक्ट के अंतर्गत आएगा, उसके दायरे में आएगा, करेक्ट है बिल्कुल। अगला स्टेटमेंट है, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लवी व्यापारिक मेला हिमाचल प्रदेश के गौरवशाली सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और विरासत के अद्वितीय उदाहरणों में से एक है। तो ये करेक्ट हो जाता अगर यहाँ पर होता हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर लिखा है गुजरात, इस वजह से इनकरेक्ट है। ये लवी इंटरनेशनल फेयर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश का है ना कि गुजरात का। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 12 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड निमोनिया डे बनाते हैं, यहाँ पर लिख गया 21, तो ये क्या, ये सही होगा, नहीं ये हो गया गलत। WHO ने दुनिया भर में बच्चों में मृत्यु के एकमात्र सबसे बड़े कारण के रूप में निमोनिया की पहचान की थी, करेक्ट है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जीवाणु निमोनिया के कारण हो सकता है, ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 79 है कि 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील की कैपिटल ब्रजीलिया में आयोजित हुआ था, सही है। शिखर सम्मेलन की थीम थी एक अभिनव भविष्य हेतु आर्थिक प्रगति, ये भी करेक्ट है। शिखर सम्मेलन में इनोवेशन ब्रिक्स नेटवर्क शुरू किया गया है जिसमें विज्ञान पार्क यानी साइंस पार्क, इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर जैसे अनुसंधान संस्थानों की नेटवर्किंग शामिल है।
करेक्ट है, ब्राजील के प्रेसिडेंट जॉयर बोल्सनैरो गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे, ये भी करेक्ट है। तो एक दो तीन, तीनों करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सारे, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। चौथा भी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भावांतर भरपाई योजना 2018 में राजस्थान सरकार ने शुरू की थी, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, इसको शुरू किया था हरियाणा सरकार ने। भावांतर भरपाई, भावांतर भुगतान, भावांतर भुगतान मध्य प्रदेश का था, भावांतर भरपाई हरियाणा की थी। आपको याद होगा, अभी भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी ये। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से सरकार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में खेती की जाने वाली फसलों के क्षेत्र और नाम का सही डेटा मिल जाएगा। दोनों करेक्ट हैं, 2 एंड 3, फर्स्ट इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 98 है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है, ठीक है, करेक्ट है ये। उसके बाद है कि इसे रोम स्टैच्यूट द्वारा सृजित किया गया था, ये भी करेक्ट है, रोम स्टैच्यूट। भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है, ठीक है। आईसीसी के पास व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है और ये संयुक्त राष्ट्र के से स्वतंत्र है, ये भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1, 2, 4। आखिरी क्वेश्चन इस टेस्ट का, अल्टीमा थुले जो अब तक की किसी भी अंतरिक्ष यान द्वारा जाने वाला सबसे दूर स्थित ब्रह्मांडीय पिंड है, करेक्ट है। हाल ही में अल्टीमा थुले का नाम बदल करके ऑरकोट रख दिया गया है, ये भी करेक्ट है। और एरकोट एक बर्फीली चट्टान है जो कुइपर बेल्ट में परिक्रमा करती है, ये भी करेक्ट है आपकी। उसके बाद है कि इटली में किसी भी अन्य यूरोपीय देश की तुलना में सबसे अधिक यूनेस्को स्थल हैं और विश्व स्तर पर चीन इसके बराबर है, यानी कि जितने जो हैं इटली में उतने ही आपके चाइना में है, ये भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी।